Hi students, today we are discussing very important and interesting problem from the kinematics. बड़े सारे बच्चों का doubt आता है, बच्चे या तो cram कर लेते हैं, बड़े कम बच्चे इसको समझ पाते हैं, right? Let us read out the problem first. Two towns A and B are connected by regular bus service with the bus leaving either station every 10 minute. A man cycling with a speed of 20 km per hour in a direction A to B, notice that bus goes past him after every 18 minute and every 6 minute in the opposite direction. Find t and the speed of the buses. Good problem hai. I'll advise you ki aapne agar pehle nahi ki hai to video pause karke pehle apna dimag lagaiye fir solution ko dekhiye, right? To maine ek chota sa diagram banaya. This is town A, town B. ए से बी की तरफ बसेस जा रही हैं. सिमिलरली बी से ए की तरफ भी बसेस आ रही हैं, वो मैंने शो नहीं किए हैं. देयर इज ए मैन साइकिलिंग फ्रॉम ए टू बी विद ए स्पेसिफाइड स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. कोई भी एक रैंडम, कोई भी एक मोमेंट मान लो, किसी भी टाइम मान लो कि किसी भी टाइम देर आर नंबर ऑफ बसेस गोइंग फ्रॉम ए टू बी. तो जैसे ये बस नंबर वन है, ये बस नंबर टू है, ऐसे ही पीछे बस नंबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन ऐसे चल रही होंगी. एवरी बस इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड. तो मान लेते हैं कि इस बस दोनों, हर बस की स्पीड वी किलोमीटर पर आ रहा है. अब एक मिनट के लिए आप बंदे को भूल जाइए. हमें ये तो पता है कि हर बस दूसरी बस से टी टाइम के बाद आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बस इस बस से वी टी डिस्टेंस पीछे है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो v इंटू टाइम. तो सेपरेशन बिटवीन द एवरी बस, बिटवीन एवरी टू बसेस इज वी टी. दिस इज क्लियर. अब आप एक मोमेंट मान लो कि बस वन मैन को क्रॉस कर रही है. मैन इज आल्सो मूविंग. तो व्हेन द मैन इज आल्सो मूविंग रिलेटिव वेलोसिटी में आप क्या करो, एक ऑब्जेक्ट को हम रोक देते हैं, तो हम मैन को खड़ा कर देते हैं यहीं पर. स्टॉप द मैन हेयर. Now bus 1 is crossing the man. Bus 2 इसी man को meet करेगी 18 मिनट के बाद. Bus 2 और bus 1 का जो distance है वो है VT. VT. Bus 2 और bus 1 के बीच का distance है VT. अब bus 2 और man को देखिए. Man is moving. Stop the man. It means bus 2 will meet the man after 18 minutes, but you have to consider the concept of relative velocity because the man is also moving. तो मैं यही distance जब relative में लूँगा तो मैं v minus 20 into 18 लिख सकता हूँ, right? ये मिनट में है, इधर भी t जो है वो मैंने मिनट में ले लिया है, ये किलोमीटर पर आर में है. अगर आप इसको आर बनाना चाहें, बाय 60 बाय 60 दोनों तरफ कटिंग हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. इफ़ यू मैनेज टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन तो सारा प्रॉब्लम आपको समझ लग जाएगी. सिमिलरली जो बस बी से ए की तरफ आ रही है, तो अगर हम उसके लिए भी इक्वेशन बनाएंगे तो वो वी टी इक्वल टू वी प्लस 20 इंटू 6 बनेगी, राइट? बाय 60 कटिंग हो जाएगी, तो हम इसको निकाल देते हैं यहाँ से. दोनों इक्वेशनों को आप सोल्व कर लो, इक्वेट कर दो. वी माइनस 20 इंटू 18 इक्वल टू वी प्लस 20 इंटू 6, दिस इज 3. 3v माइनस 60 इज इक्वल टू वी प्लस 20. 2v इक्वल टू 80, तो v आ गया हमारा 2v. तो v 3v माइनस v 2v इक्वल टू 80, तो v इज 40 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द स्पीड विद विच द बसेज आर मूविंग. अब आपने ये t निकालना है, राइट? ये v 40 आप इस इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. लेट अस पुट इन दिस इक्वेशन. तो दिस इज 40 इंटू टी, ये किलोमीटर पर आर में है, राइट? टी इज वी माइनस, दिस इज 40 माइनस 20, ये 20 रह जाएगा, इंटू 18, राइट? तो ये आपका आ गया टी इक्वल टू 20 बाय 40, तो 9 मिनट आंसर आ जाएगा, राइट? मैं अगर आर में कन्वर्ट करूँगा दोनों तरफ फैक्टर सेम लगना है तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो आई होप दिस प्रॉब्लम विल बी क्लियर टू यू.
गुड प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, अपने आप ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।